हे गाइस, आज की हमारी रेसिपी है नॉन वेज, जो है मटन। तो आज हम इसे बनाना सीखते हैं, तो ये बहुत ही अलग तरीके से बनेगा आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने कुकर रख दिया है, अभी बस ये रखा ही है, इसके अंदर पानी भी होगा तो इसके अंदर हम अपने मटन डालते हैं विद वाटर, पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें हम साथ साथ में हम प्याज भी डाल देंगे। तो हमने इसमें प्याज डाल दिया है, अब इसको हम एकदम लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक इसको भूनेंगे। और इसमें ऑयल नहीं डाला है, ना ही कोई मसाला डाला है, बस अभी कुकर गैस में रखा है, उसमें मैंने प्याज और मटन साथ में डाल दिया है। अब इसको हम भूनते हैं। गाइस, ये आधा किलो मटन है और इसमें 3 बड़े प्याज हैं, तो चलिए इसको भून लेते हैं हम थोड़ी देर। दो मिनट हो गए हैं गाइस, और ये कुछ ऐसा हो गया है, और मैंने फ्लेम को लो से मीडियम कर लिया है। अब इसको हम ऐसे ही भूनते रहेंगे जब तक प्याज एकदम पीस ना जाए। 5 मिनट हो गए हैं गाइस, अब ये कुछ ऐसा हो गया है, इसमें से काफ़ी पानी निकलने लग गया है। देखिए, ये देखिए पानी आने लग गया इसमें से काफ़ी ज़्यादा। अब इसको ऐसे ही हमें भूनते रहना है। हे गाइस, लगभग 7 मिनट हो गए हैं, ये देखिए कुछ ऐसा हो गया है, प्याज जो है वो मेल्ट होने लग गए हैं, अच्छे से मेल्ट हो रहे हैं। बस अभी 2-3 मिनट इन्हें और भून के फिर इसके अंदर हम अपनी बाकी का चीज़ें डालेंगे। हे गाइस, टोटल 10 मिनट हो गए हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इसमें बहुत मेहनत लगी, मुझे कोई मेहनत नहीं लगी। मैं इसको ढक के चली जाती थी पिया के साथ खेलने के लिए, और तो इसलिए मेरे को मतलब मेरे को ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी कि यहाँ खड़े होना पड़ा। तो चलिए, ये कुछ ऐसा हो गया है, प्याज जो है वो बहुत अच्छे से गल गए हैं। इस पर हम मस्टर्ड ऑयल डाल देते हैं, कच्चा मस्टर्ड ऑयल है ये, इसको मैंने पकाया नहीं है। इसी के साथ साथ हम इसमें खड़े मसाले भी डाल देते हैं। इसमें है जीरा है, लौंग है, बड़ी इलायची है, जावित्री है और काली मिर्च है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। और अब इसको आंच को तेज करके इसको 2 मिनट भून लेते हैं हम। हे गाइस, हमारा जो तेल का कच्चापन है वो चला गया है, अब इसमें हम 3 तेज पत्ता डाल देंगे। गाइस देखिए, आज हमारे घर कितने सारे तेज पत्ता आए हैं, ये हमें फ्री में मिला है, ये हम गढ़वाल के गांव से, उनके जंगलों से तोड़ कर लाए हैं। अब इसको भी हम भून लेते हैं। अब हम इसमें पिसा हुआ लहसुन डाल देते हैं, उसको भून लेते हैं 2 मिनट। हमारे जो लहसुन है वो भी भून गए हैं, अब इसमें हम लंबे कटे हुए टमाटर डाल देते हैं और इसको भी 2 मिनट भून लेते हैं। हे गाइस, कुछ ऐसा हो गया है, अब इसमें हम मसाले ऐड कर देते हैं। तो इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच मीट मसाला, नमक स्वाद अनुसार, मिर्ची स्वाद अनुसार, हल्दी आधा चम्मच, धनिया आधा एक बड़ा चम्मच। सब इनको हम भून लेते हैं। गाइस देखिए, मसाले भून गए हैं और ये कितना टेस्टी लग रहा है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, पानी डाल के इसको भून लेते हैं थोड़ी देर। गाइस पानी डालने के बाद 2 मिनट भून लिया, कुछ ऐसा हो गया है, अब इसमें हम पानी डाल के इसको सीटियाँ लगा लेते हैं। सो गाइस, इसमें 3 सीटियाँ लग गई हैं, अब मैं इसको स्लो पे एकदम सीम पे कर दूँगी इसको 5 मिनट के लिए। सो गाइस, 5 मिनट हो गए हैं, मैंने गैस को बंद कर दिया है, अब इसे हम ठंडा होने देंगे। सो गाइस, रेडी है हमारा मटन मसाला।
सो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच. गाइस मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी. ये देखिए इसकी ग्रेवी कितनी अच्छे से पकी है और कितनी पतली है.